हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एट इंडियाज लर्निंग प्लेटफॉर्म। और वीकेंड से लर्न करना है तो लर्न एट पे आइए। ओके, सो द टॉपिक ऑफ टूडेज लेक्चर इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। ओके, देखो अभी आप सारे स्टूडेंट्स 11th में नए नए आए हो और नया नया आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। अभी आप लोग क्या पढ़ रहे थे, कॉमन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे थे। साइंस हर बच्चा साइंस पढ़ रहा था, मैथ्स हर बच्चा पढ़ रहा था, तो सारे सब्जेक्ट्स जो थे कॉमनली सारे बच्चे वही पढ़ रहे थे। अभी क्या हुआ, आप लोग थोड़े से बड़े हो गए हो और आप लोगों ने अपना एरिया चूज़ किया, एक डिसीजन लिया कि आपको किस फील्ड में जाना है, राइट। तो कुछ ने साइंस को चूज़ किया, किसी ने कॉमर्स को, ठीक है, और किसी ने आर्ट्स को। तो आप लोगों ने कॉमर्स को चूज़ किया, तो थोड़ा सा अभी आपको कुछ डिफरेंस लगेगा पहले की क्लासेस में और हम लोग बोल सकते हैं कि पहले जो आप लोग सब्जेक्ट पढ़ चुके हो उसमें और अभी जो आप लोग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो उसमें थोड़ा सा आप लोग को डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा पेशेंसली समझने की कोशिश करना और ट्राई करना कि जो रियल एग्जांपल्स हैं उसको रिलेट कर पाओ, क्योंकि मैं रियल एग्जांपल्स ही आपको दूंगी थ्रू आउट द लेक्चर। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर का बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि अगर मैं पूरा टॉपिक आज कवर कराना चाहूँ तो नहीं हो सकता, तो उसका एक फर्स्ट पार्ट है। दो पार्ट में आपका ये टॉपिक कवर होगा। तो जो मैं रियल एग्जांपल दूंगी ना, कोशिश करना कि उससे रिलेट करते हुए आप लोग चलना, ठीक है। तो पहला ही क्या है आपका, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी, ठीक है। ये जो वर्ड है ना अकाउंटेंसी, बेसिकली पहले का जब टाइम था ना तो लोग इस वर्ड से बस ये समझते थे कि पैसे से रिलेटेड चीज़ों को लिख दिया और हमारा काम ख़त्म हो गया, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बुक कीपिंग। तो पहले का जो टाइम था ना बच्चों, तो तब क्या था, अकाउंटेंसी को ना सिर्फ और सिर्फ एक बुक कीपिंग की बाउंड्री में लिमिट किया जाता था। अब बुक कीपिंग क्या हो गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ट्रांजैक्शन हुआ रिलेटेड टू मनी, उस ट्रांजैक्शन को आपने नोट डाउन कर लिया, दैट्स ऑल। वही हमारा क्या हो गया, डे टू डे ट्रांजैक्शन को नोट करना, बुक कीपिंग। बट अभी क्या हुआ है ना, ये जो एरिया है काफ़ी वास्ट हो गया है। हमारे अकाउंटेंट्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ बुक कीपिंग पे ही नहीं रहते, यहीं तक उनका एरिया लिमिट नहीं करता, उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और अभी तो आप लोग देख रहे हो ना, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, राइट। तो पेमेंट्स भी ऑनलाइन हो रही हैं। अब क्योंकि पेमेंट्स ऑनलाइन हो रही हैं तो ऑब्वियसली साइबर क्राइम्स भी हो रहे हैं, हैकिंग हो रही है और ऑनलाइन ही पैसों की चोरी की जा रही है। पहले ऐसे चोरी होती थी ना, हमने जाया किसी के हाथ से पर्स चोरी कर लिया, बट अभी क्या हो रहा है, ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं। तो जो अभी के अकाउंटेंट्स हैं ना, वो लिमिट नहीं करके रह चुके हैं इसी बाउंड्री में, उनकी जो बाउंड्री है और ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम ई पेमेंट्स कर रहे हैं, राइट, ई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो हमारी बाउंड्रीज जो क्या है वो इंक्रीज़ हो गई हैं। अब क्या है, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ट्रांजैक्शन, उससे एक डिसीजन लेना, उसको एक मीनिंगफुल वे में कम्युनिकेट करना, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल पार्टीज़ दोनों को कम्युनिकेट करना, ये भी हमारे अकाउंटेंट्स का रोल होता है। तो अकाउंटेंसी क्या हो गया, जो ट्रांजैक्शन होती है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो जो ट्रांजैक्शन होती है डे टू डे बिजनेस में, जो कि मनी के टर्म्स में जिनको लिखा जा सकता है, उन ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करना, उनको समराइज करना, एक मीनिंगफुल उसका मतलब निकालना, मीनिंगफुल वे में उससे डेटा प्रिपेयर करना, ताकि फर्दर हम लोग डिसीजन मेकिंग पावर का यूज़ करके उससे डिसीजन ले सके। अब देखो जो ये इंट्रोडक्शन है ना, उसको ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। ओवर द सेंचुरीज अकाउंटिंग हैज़ रिमेन्ड कन्फाइंड टू फिनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शंस ऑफ द अकाउंटेंट। जो ये शुरू की डेफिनेशन बच्चों आपको दी है ना, इसमें क्या बोला गया है, ओवर दी सेंचुरीज, मतलब बहुत सेंचुरीज से, सौ मतलब सालों से क्या बोला जा रहा था कि अकाउंटिंग हैज़ रिमेन्ड कन्फाइंड टू दी फिनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शंस ऑफ द अकाउंटेंट। क्या बोला गया, सिर्फ और सिर्फ तो हम लोग क्या मानते थे कि जो अकाउंटेंट्स हैं ना, उनका क्या वर्क है, रिकॉर्ड कीपिंग करना, ठीक है। जो ट्रांजैक्शन हो रही है बिजनेस में, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, बस वहाँ तक लिमिट किया हुआ था अकाउंटेंट्स के रोल को। अब आगे देखो, आगे क्या बोला गया, बट टुडेज रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट हैज़ फोर्स्ड द अकाउंटेंट्स
टू रीअसेस देयर रोल्स एंड फंक्शंस बोथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द सोसाइटी। अब क्या हो गया, क्योंकि चेंजिंग एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा है डे बाय डे, और बोल सकते हैं ईयर बाय ईयर इतने चेंजेस आए हैं ना अभी के सिनेरियो में, तो अकाउंटेंट्स का रोल भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। मैंने बताया ना अभी कि साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, तो उसमें जो उसकी जांच करना, फॉरेंसिक जांच करना उसकी, तो बहुत सारे ऐसे रोल आ गए हैं अकाउंटेंट्स के पास ना जो पहले नहीं होते थे। तो अकाउंटिंग क्या हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग से लेकर उस डेटा का मीनिंगफुल मतलब निकालना, रिलेटेड पार्टीज़ को कम्युनिकेट करना, डिसीजन मेकिंग लेना, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई, अकाउंटेंसी। ठीक है, तो अकाउंटेंसी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, आगे के लेक्चर्स में और अच्छे से आपको क्लियर होगा। आई नो कि 11th क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी न्यू सब्जेक्ट है, और बोल सकते हैं एक नई चीज़ की तरफ आप लोग जा रहे हो, तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करना, बिजनेस से रिलेट करके चलना। आप देखो बिजनेस में कितने टाइप के होते हैं आपके, सोल प्रॉपर्टरशिप होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, पार्टनरशिप फर्म होता है, तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो हर जगह ट्रांजैक्शन तो होता ही है, रिकॉर्ड कीपिंग होता ही है, अकाउंटिंग भी हर जगह यूज़ की जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो अब बोला गया है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए कि कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस को आप लोग लर्न कर लो और उसके वर्ड्स को कैच करो। देखो जैसे कि है ना, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग जो है इसमें क्या बोला गया, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ये वर्ड कैच करो रिकॉर्डिंग। अगला वर्ड क्या बोला गया है, क्लासिफाइंग, इसको कैच कर लो। फिर क्या बोला गया है, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ये टर्म्स ऑफ मनी, और नीचे दिया गया है फिनेंशियल कैरेक्टर, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। अकाउंटिंग क्या है, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब जो भी डे टू डे ट्रांजैक्शन हो रही है, चीज़ें बहुत सारी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बट एज अ अकाउंटेंट या अकाउंटेंट से रिलेटेड क्या मेरे काम की चीज़ है वो मुझे रिकॉर्ड करना है। अब फॉर एग्जांपल कोई अमित नाम का मेरा एम्प्लॉई है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या मैं ये अकाउंटिंग की बुक में नोट करूँगी, ऑब्वियसली नहीं करूँगी। ठीक है, 100 लोगों को हायर किया गया है ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या मेरे अकाउंटिंग बुक में ये सब होनी चाहिए, ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्ड करना है, बट क्या रिकॉर्ड करना है, विच इज़ रिलेटेड टू अकाउंटिंग, ये मुझे जानना पड़ेगा। ठीक है, कि मुझे क्या रिकॉर्ड करना है। मैंने मशीन खरीद ली, तो अभी क्या मैं रिकॉर्ड करूँगी अपने बुक में, ऑब्वियसली करूँगी, क्यों, क्योंकि मशीन आई है और मेरे पास से पैसा गया है, एसेट्स आई है, मशीन मेरे लिए एसेट है और पैसा भी मेरा गया है, तो मैं इसको नोट करूँगी। बट अमित का बिहेवियर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा है ये मैं नोट नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, वे आगे देखो क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग, एंड नाउ इज टाइम टू क्लासीफाई दोज ट्रांजेक्शन, अब उसको क्लासीफाई करना है इन डिफरेंट हेड्स। ठीक है, आप बोल सकते हो ना कि ट्रांजेक्शन तो बहुत सारी होती है, बट अगर मैं कभी बुक उठाऊं, एक दिन में पैसा इतनी बार गया है, वेजेस 10 बार दिया गया है, तो मैं क्या करूं, अब उसको क्लासिफाई करूं। ठीक है, ताकि जब मैं उसको देखूं तो मुझे समझ में आए कौन सी ट्रांजेक्शन किस हेड को बिलोंग कर रही है। नेक्स्ट है हमारा समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, अब मुझे उसको मीनिंगफुल वे में समराइज करना है, जो मैंने रिकॉर्ड किया अब उसको मुझे छोटा करना है, समराइज करना है, जो ट्रांजेक्शन सेम हेड की है उसको मुझे सेम हेड में लिखना है, एंड इन टर्म्स इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, हम कौन सी ट्रांजेक्शन को लिखेंगे बच्चों, जिसको हम लोग मनी के टर्म्स में लिख सकते हैं, जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू हो। हम किसी के बिहेवियर को, कोई बहुत अच्छा है कोई बहुत बुरा है, इस चीज़ को हम लोग जज नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, जिसको भी हम लोग मनी के टर्म्स में। अब अकाउंटिंग क्या है, मनी से रिलेटेड चीज़ें ही उसमें होती हैं, तो ऑब्वियसली जिनको हम लोग मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फिनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, जो भी मॉनेटरी टर्म में है उनको हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको इंटरप्रेट करके उससे एक रिजल्ट निकालते हैं, मीनिंगफुल रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो मैं फिर से बता देती हूँ, अकाउंटिंग क्या हो गया, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना प्रॉपरली, एनालाइज करने के बाद उसको क्लासीफाई करना, समराइज करना,
सो डैट एक मीनिंगफुल वे निकल सके, ताकि उस रिजल्ट से जो भी इंटरनल पार्टी है एक्सटर्नल पार्टी है वो रिजल्ट निकाल सके, अपना डिसीजन मेकर एज अ डिसीजन मेकर उस पर वो वर्क कर सके। अब इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टीज़ क्या हो गई, इंटरनल पार्टीज़ जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और एक्सटर्नल पार्टीज़ क्या हो गई जो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन है। लाइक बैंक है, बैंक ने हमें लोन दिया है, हमारे शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने अपना पैसा हमें लगाया है, हमारे डिबेंचर होल्डर्स हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और वो एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं। इंटरनल पार्टीज़ हमारे मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं और जो भी रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन सारी पार्टीज़ को डेटा कम्युनिकेट करना ताकि वो ईजिली डिसीजन ले सके फ्यूचर से रिलेटेड। ओके, आगे देखो रेलिवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेफिनेशन। अब मैंने जो डेफिनेशन आपको बताई ना उसके रेलिवेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, बोल सकते हैं ना, अगर आपको याद रखना है डेफिनेशन को तो किस चीज़ों पे आप जोर दोगे जिससे कि क्लियर हो कि डेफिनेशन आपको क्लियर है। तो फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक इवेंट। ऑब्वियसली क्या हम किसी भी चीज़ को लिख देंगे अकाउंटिंग की बुक में? नहीं, हम ऐसी चीज़ को लिखेंगे जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी होगा, रिलेटेड टू इकोनॉमिक इवेंट होगा, जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा, हम ऐसी ही चीज़ों को बुक ऑफ अकाउंट में नोट करेंगे। फिर है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या हो गया, जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें से हमारे काम का क्या है, ठीक है, हमारे काम का मतलब मेरी अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या ट्रांजैक्शन हो रही है मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगी, राइट। एंड नेक्स्ट है मेजरमेंट, मतलब अभी वही वाला फंडा है कि किसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्डिंग एंड उसको फिर रिकॉर्ड करना, फिर कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट किसको करेंगे, जो भी पार्टीज रिलेटेड होंगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन भी अलग अलग टाइप की होती हैं, मैंने बताया ना सोल प्रॉपर्टरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, कंपनीज़ होती हैं अलग अलग लेवल पे। तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर, आप बोलते हो ना कि यहाँ पे ये फंडा चलता है, एनजीओज़ होती हैं जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो वहाँ के अकाउंट्स आपके डिफरेंट होते हैं। फिर पार्टनरशिप फर्म में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, कंपनी के अकाउंट्स होंगे तो वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है ये भी मैटर करता है। अगला है इंटरेस्टेड यूजर इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली हमारे इंटरेस्टेड यूजर कौन हो सकते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स दोनों को हमें रिजल्ट कम्युनिकेट करना होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड एंश्योर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। लाइक अभी मैंने बोला ना कि अभी हमें क्या, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है तो उसकी जो भी रेलिवेंट पार्टीज है उसको हमें शेयर करना पड़ता है, आइदर वो शेयर होल्डर्स हो, हमारे मैनेजर्स हो, फिनांस डिपार्टमेंट हो, जो भी हो, हमें वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है। तो उसका हम ये बोल सकते हैं उस पर रिलायबिलिटी फैक्टर्स को चेक किया जाता है। द इन्फॉर्मेशन शुड बी कम्प्लीटली रिलायबल एंड फ्री of any kind of biasness. Biasness नहीं होनी चाहिए और उसके अलावा हम उस पर डिपेंड रह सके। ओके, हम इंश्योर कर सके कि ये इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सर्व द यूजर्स हु रिलाई ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट एज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, लाइक जो भी डिसीजन मेकिंग है और इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, जो भी रेलिवेंट पार्टीज हैं जो टोटली हमारे उसी इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करती हैं, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो डेटा देखकर कंपनी की फिनेंशियल पोजीशन, कंपनी की साउंडनेस देखकर, कंपनी अपने डेब्ट्स को पे करने के एबल है कि नहीं, कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेगी, बाय दी अकाउंटिंग स्टेटमेंट एंड इन्फॉर्मेशन, राइट। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग दी अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल कैश फ्लो। ओके, लाइक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसने इस साल जो भी काम किया उससे कुछ कैश फ्लो हुए। अब फ्लो दो टाइप से, एक इनफ्लो और एक आउटफ्लो। तो ये जो फ्लोज हुए ना, कब कब हुए, किस सिचुएशन में हुए, इसका आइडिया हमें पुरानी इन्फॉर्मेशन से लग जाता है, जिससे हम लोग फ्यूचर के फ्लो को जज कर सकते हैं। अब देखो फ्लो के लिए भी क्या होता है ना, हम एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ कैश अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं, या उसको बोल सकते हैं वर्किंग कैपिटल, जो कि ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत कम होनी चाहिए। अगर कम होगी
तो अगर आपको डेब्ट कोई पे करना होगा, कोई ऑब्लिगेशन पे करना होगा, आप पे नहीं कर पाओगे, तो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज खराब हुई, राइट। और अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हमें उस पर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। क्योंकि हर चीज़ क्या होती है, डेब्ट के बेसिस पे होती है। अभी आप आगे ही क्लासेस में पढ़ोगे ना, जो ऑनर है ना किसी भी प्रॉपर्टी शिप का, सोल प्रॉपर्टी शिप का, तो अगर वो ऑनर भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ लेता है तो उसे एज अ ड्रॉइंग ट्रीट किया जाएगा, उसकी कैपिटल में से घटा दिया जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हम फ्लो को जज करेंगे। तो अब देखो, अगर मेरे पास आइडल पैसा पड़ा हुआ है तो चाहे ऑनर ही क्यों ना हो, वो इंटरेस्ट मुझसे लेगा उस पैसे का, राइट। या जो भी उसका शेयर पे जो भी उसका अमाउंट बनता है वो अमाउंट मुझसे वापस लेगा, तो मुझे आइडल पैसा ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रखना, बिकॉज आइडल पैसा भी कॉस्ट इनकर्ड करता है। तो इस जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट में मेरे पास है उसके बेस पे मैं आइडिया लगा सकती हूँ कि फ्यूचर फ्लोज मेरे क्या होने वाले हैं। तो ना तो मैं कम पैसा रखूँगी ना ज़्यादा, एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करके रखूंगी, ओके। नेक्स्ट देखो, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली इन मीटिंग गोल्स। उसके अलावा इस साल जो भी हमारा परफॉर्मेंस रहा है उसको हम लोग जज कर सकते हैं, जिससे कि अगली बार जो मैनेजमेंट है हमारे पास, जो भी रिसोर्सेज है, मैन, मटेरियल, मनी, मशीन, जो भी है, उसको बेटर यूटिलाइज कर सके नेक्स्ट ईयर में या अपकमिंग टाइम में, जिससे कि इस बार से और बेटर रिजल्ट हो, या जो भी मैंने गोल सेट किया है ना उसको इफेक्टिवली हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, प्रोवाइडिंग फैक्चुअल एंड इंटरप्रिटेटिव इंफॉर्मेशन बाय डिस्क्लोजिंग अंडरलाइन अजम्पशन ऑन मैटर सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, इवेल्युएशन, प्रिडिक्शन और एस्टिमेशन, एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज अफेक्टिंग दी सोसाइटी। अदर देन दिस, जो भी जिस भी इंफॉर्मेशन से हमारी सोसाइटी अफेक्ट होती है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, विद दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, राइट। तो उसको अच्छे तरीके से इवेल्युएट करना, जज करना, प्रिडिक्ट करना, एस्टिमेशन लगाना, ये सब हम लोग उसी के बेस पे करते हैं। अब देखो, सब डिसिप्लिन्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग तो मैंने एक बोल दिया, उसके अलावा जो अकाउंटिंग है ना उसके सब डिसिप्लिन्स है, ठीक है, तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें लिखा ही है, पहला हमारा क्या है, फिनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, विच इज़ रिलेटेड टू फिनांस एंड मनी, उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो कौन से किस डिसिप्लिन को बिलोंग करती है, फिनेंशियल अकाउंटिंग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मैंडेटरी होता है बाय द लॉ। बाय द लॉ हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल अकाउंटिंग को मेंटेन करना ही होता है। इसके अलावा आप नीचे देख रहे हो ना, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आपका ऑप्शनल होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है किसी भी पर्टिकुलर बोल सकते हैं ना, अगर प्रोडक्ट वो कोई लॉन्च करने वाला है तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के लिए वो बना सकता है। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, ये कभी भी की जा सकती है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, ये भी कभी भी बनाई जा सकती है। ये मैनेजमेंट अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए ईयर में कभी भी, आपका क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली और मंथली, जिस भी बेसिस पे चाहे वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स बनते हैं उनको प्रिपेयर कर सकता है। बट जो ये आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग है ना, ये वंस इन अ ईयर एट द एंड ऑफ एनी फिनेंशियल ईयर ही बनता है, जिसमें कंपनी की फिनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है, वो कितना साउंड है कंपनी, कंपनी की पोजीशन क्या है, ये हमें कहाँ से पता चलता है, फिनेंशियल अकाउंटिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसिप्लिन है वो है हमारा फिनेंशियल अकाउंटिंग, आफ्टर दैट कॉस्ट अकाउंटिंग, और फिर है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि मैंडेटरी नहीं होता, इट्स अप टू द ऑर्गेनाइजेशन, इफ दे नीड दैट काइंड ऑफ अकाउंटिंग दे कैन प्रिपेयर अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू दैट। नाउ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब जो मैंने अभी इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा ना कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में था, अब वो क्यों होता है, अब यहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। तो पहला क्या है, वेरी ऑब्वियस, अगर मैं जनरली भी आपसे पूछूं तो ये वेरी ऑब्वियस ही चीज़ क्या है, इट शुड बी रिलायबल। तो रिलायबिलिटी तो होनी ही चाहिए, जिसपे आप लोग डिपेंड रह सको, जो बायस फ्री हो,
22 फ्री हो और बिल्कुल आप उस पर रिलायबल हो सके और आप डिसीजन ले सके, ऐसा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसकी गारंटी हो कि ये 100% सही है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा रेलिवेंस। रेलिवेंस मतलब जिस चीज़ के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हो उससे रिलेटेड डेटा वो प्रोवाइड कर रहा हो और रेलिवेंट टू डैट ऑर्गेनाइजेशन वो हो। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो भी हमारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज हैं वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। अब अंडरस्टैंड कैसे कर सकती हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को हमेशा फॉलो करें। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग करेंगे तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करेंगे, एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, सो डैट ईच एंड एवरी पर्सन कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। नेक्स्ट हमारा कंपेरेबिलिटी। अब कंपेरेबिलिटी क्या हो जाता है कि अगर मुझे कंपेयर करना है लास्ट परफॉर्मेंस से अपनी प्रेजेंट परफॉर्मेंस को, तो मैं कंपेयर कर सकूं। अब कंपेयर कैसे कर सकते हो आप, जब आपने सेम फॉर्मेट लास्ट ईयर भी फॉलो किया होगा और इस ईयर भी आप सेम फॉर्मेट फॉलो करने कर रहे हो और अगले साल भी आप सेम फॉर्मेट फॉलो करने जा रहे हो, तभी तो आप कंपेयर कर सकते हो क्योंकि फॉर्मेट आपको सेम दिखना चाहिए, सेम तरीके से आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तो इट शुड हैव अ कंपेरेबिलिटी फैक्टर। थैंक यू पहले बोल दिया। तो यही था हमारा, देखो ये दो पार्ट में मैंने पहले ही बताया ना कि मैंने जो वीडियो शूट किया है दो पार्ट में शूट किया है क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता, तो ये फर्स्ट पोर्शन है आपका और सेकंड पोर्शन में मैं आपको रिमेनिंग पार्ट आपको बताऊंगी। तो आप लोग को कैसा लगा ये फर्स्ट लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन।